अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और मैं MIBF PVS का स्टूडेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ओपन इकोनॉमिक ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज़। तो बेसिकली पहले हम देखते हैं कि ट्रेड होता क्या है। तो ट्रेड ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पैसों या चीज़ों के लिए ख़रीदो फरोख की जाती है। मसलन मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, तो इसको हम ट्रेड कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। अब होम ट्रेड कौन सी है? द परचेज़ एंड सेल ऑफ गुड्स इनसाइड द कंट्री। जो हम अपने मुल्क के अंदर जो चीज़ ख़रीदते हैं और बेचते हैं उसको हम होम ट्रेड कहेंगे बेसिकली। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं जिसको हम होल सेल ट्रेड कहते हैं और रिटेल ट्रेड कहते हैं। अब होल सेल ट्रेड क्या है? मतलब होल सेल ट्रेड का ये है कि जो हम चीज़ें बल्क में लेते हैं, ख़रीदते हैं और आगे दुकानदार को फरोख कर देते हैं, इसे हम होल सेल ट्रेड कहते हैं। अब रिटेल ट्रेड कौन सी है? रिटेल ट्रेड जो हमारे घर के पास जो शॉप है उसे हम रिटेल कहते हैं, जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं लेते। जो सामान निकल रहा होता है मार्केट में उसी लिहाज से लेते हैं, ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में नहीं लेते। तो ये डिफरेंस था होल सेल ट्रेड में और रिटेल में। अब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इसमें आप अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क से कोई सामान मंगाते हैं या किसी दूसरे मुल्क सामान भिजवाते हैं, तो इसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। अब इसकी बेसिकली दो टाइप हैं, इम्पोर्ट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया। जैसे पाकिस्तान वाले किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ मंगाए, कार हो गई या एक्स वाई जेड कोई मशीनरी हो गई, तो इसको हम कहेंगे इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या होगा? कोई चीज़ पाकिस्तान में बनी, अब वो ज़्यादा बनी या हम अच्छी चीज़ बनाते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हम बाहर मुल्क में भिजवाएंगे उसको हम एक्सपोर्ट कहेंगे। अब देखते हैं ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में ये लिखा हुआ है। ओपन इकनॉमी। अब ओपन इकनॉमी क्या है? एन ओपन इकनॉमी इज़ वन दैट इंट्रैक्ट फ्रीली विद अदर इकनॉमिक अराउंड, जो दूसरे इकनॉमिक्स के साथ आसानी तौर से काम कर सके। तो इसमें डिफरेंट तरीके होते हैं, लाइक इसमें इंट्रैक्शन दो तरह के होते हैं। इसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल, गुड एंड सर्विसेज भी करते हो और गुड और सर्विसेज बाय भी करते हो। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में भी आपका एसेट इंट्रैक्ट होता है। इसमें आप कैपिटल एसेट बाय कर रहे होते हैं, जबकि क्लोज इकोनॉमी में आपका इंट्रैक्शन जो है इंटरनेशनली नहीं होता। पाकिस्तान के टॉप 10 इम्पोर्ट्स हैं लाइक मिनरल्स, फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल, इलेक्ट्रिक मशीन इक्विपमेंट, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर, आयरन, एनिमल्स, वेजिटेबल फैट, ऑयल, वैक्सेस, प्लास्टिक, प्लास्टिक आर्टिकल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, व्हीकल्स, कॉटन, ऑयल, सीड्स। अब एडवांटेजेस देखना होगा कि ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस क्या है। तो इसमें पहला एडवांटेज जो है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब अगर पाकिस्तान में चावल ज़्यादा हैं या ऑयल ज़्यादा है किसी मुल्क के पास, तो वो नेचुरल रिसोर्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह आपका प्रोडक्ट ख़राब भी हो सकता है तो आप बाहर भिजवा सकते हैं कोई चीज़। जैसे पाकिस्तान कोई चीज़ ज़्यादा बना रहा है वो, तो उम्मीद है कि यहाँ ख़राब हो, इससे अच्छा है आपकी आपकी चीज़ की ज़रूरत पूरी हो गई, आपने उसको बाहर भिजवा दिया, तो ये हो गया ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होती है? जब आपका आप एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, किसी करेंसी आपके मुल्क में आएगी, मिसाल के तौर पर जैसे डॉलर आया आपके मुल्क में, तो वो तो उसकी वजह से आपकी इकनॉमी भी बेहतर होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्रोथ। अगर किसी मुल्क के पास कोई अच्छी चीज़ है, मसलन किसी के पास पत्ती ज़्यादा है, श्रीलंका के पास तो हमसे ज़्यादा पत्ती है, तो हम उससे मंगा सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान में नमक की कान पाई जाती है तो आप दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस कंट्री के सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट मंगा सकते हैं आसानी से। अब है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आप दूसरे मुल्क से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, या अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद हम आउट ऑफ कंट्री भेज सकते हैं ईज़िली। अब एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नोज हाउ एंड एस्टेब्लिश ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। जब पूरी दुनिया आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करेगी तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी। मसलन पाकिस्तान में बैठे हैं हम, आप चाइना से, चाइना के कोई टेक्नोलॉजी मंगाएं और अपनी कंट्री में इस मशीन से प्रोडक्शन करें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को भी। तो ये कहलाता है एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ एस्टेब्लिश ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। अब इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी क्या है? अगर आपको पाकिस्तान में कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि यार ये मुझे बाहर कितने की मिल रही है और यहाँ कितने की मिल रही है, मतलब सारे ड्यूज़ व्यूज़ लगने के बाद, टैक्सेस भरने के बाद, ये मुझे यहाँ सस्ती मिल रही है या बाहर सस्ती मिल रही है, आते हुए सस्ती मिल रही है। तो आप एफिशिएंसी यूज़ कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं ईज़िली। अब डिवीज़न ऑफ लेबर।
अब हर बंदा तो ऑयल नहीं बना सकता, हर मुल्क की कोई ना कोई ख़ास प्रोडक्ट होती है, तो इस तरह माहिर लेबर होती है सब अपनी, तो हम इम्पोर्ट के ज़रिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए से। एबिलिटी टू फेस नेचुरल क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी मुल्क में सैलाब आ गया, ठीक है, तो वो लोग तबाह हो गए, जाहिर सी बात है, तो वो लोग इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए से दूसरे मुल्क से मदद ले सकते हैं, क्यों ना कि वो लोग तबाह हो चुके हैं, जाहिर सी बात है, अब उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के ये भी बेनिफिट है एक। अब एक देखना है द इंट्रेक्शन फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ये पाकिस्तान इकनॉमी। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमी ओपन इकनॉमी है या क्लोज इकनॉमी है। पाकिस्तान जब से बना है हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, पाकिस्तान की इकनॉमी जो है मिक्स इकनॉमी है एक तरह से। द फ्लो ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट एंड नेट एक्सपोर्ट्स अ ट्रेड डेफिसिट। हम अपनी कंट्री में जो चीज़ बनाते हैं और भिजवाते हैं, या इसी तरह से किसी चीज़ को बनाने में वो एक्सपोर्ट करते, कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं और उससे जो कैपिटल अर्न करते हैं हम, बेसिकली वो हमारा जो है डेफिसिट होगा, वही इम्पोर्ट जो है, सॉरी, ये रेट डेफिसिट जो है इसमें ये होता है कि अगर हमारा इम्पोर्ट कम हो रहा है, सॉरी, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो ये ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड सरप्लस इसमें ये होगा कि इस सिचुएशन विच इज़ नॉट, हाँ, तो इसमें ये होगा बेसिकली कि आपका जो ट्रेड है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट कम होगा, तो सरप्लस होगा। बैलेंस का मतलब ये ट्रेड भी एक्सपोर्ट भी इतना हो रहा है, इम्पोर्ट भी इतना हो रहा है, तो आपका ये जो बैलेंस होगा, ट्रेड बैलेंस होगा। तो इसमें भी यही है कि आपको ट्रेड डेफिसिट में इसी तरह देखते हैं कि हमने जो पूरे साल एक्सपोर्ट की थी, इसमें से पूरे साल जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो माइनस कर देते हैं, नेट एक्सपोर्ट बचेगा, तो वो हमारा नेट एक्सपोर्ट आल्सो कॉल्ड ट्रेड बैलेंस, हमारा नेट एक्सपोर्ट इसी तरह ट्रेड बैलेंस भी कहलाता है। इसी तरह आप देखते हैं ट्रेड सरप्लस जो है, ट्रेड सरप्लस में भी इसी तरह द फ्लो ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नेट, उसमें जो होता है इस सिचुएशन इन विच एक्सपोर्ट आर पॉजिटिव। अब इसमें जो होता है नेट नेट एक्स इसमें बेसिकली आपकी इम्पोर्ट आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती है, तो आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो आपका इम्पोर्ट कम होगा। इसमें क्या हो रहा है, ट्रेड सरप्लस में आपकी जो है आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, ऊपर क्या हो रहा था, आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही थी। अब बैलेंस ट्रेड में क्या होता है, बैलेंस ट्रेड वो होती है जो आपकी ज़्यादा वाला पोर्शन जो होगा, क्योंकि इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट से माइनस करेंगे, जो जो बचेगा वो आपका आपका क्या नेट एक्सपोर्ट होता है, तो बैलेंस ट्रेड में नेट एक्सपोर्ट्स ज़ीरो होंगी और वो जो एक्सपोर्ट्स होंगी ना वो एग्जैक्टली इक्वल होंगी, इसलिए वो नेट एक्सपोर्ट ज़ीरो होगा इसका। तो इसको बैलेंस ट्रेड इसलिए कहा गया है कि बैलेंस होता है आपका, एक्सपोर्ट्स भी इतना हो रहा है और इम्पोर्ट भी इतना हो रहा है, दोनों चीज़ें बराबर चल रही हैं, तो इसलिए हमने इसको बैलेंस ट्रेड कहा गया है। अब है द फ्लो ऑफ गुड एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट नेट एक्सपोर्ट। या इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि एक्सपोर्ट माइनस कर देंगे आप इम्पोर्ट को, नेट एक्सपोर्ट आल्सो कॉल्ड ट्रेड बैलेंस, वही बात बताई जा रही है जो मैंने पीछे बता दी है आपको। फैक्टर दैट अफेक्ट नेट एक्सपोर्ट, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स को, उसमें पहला है द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन फूड्स। जिस तरह से यहाँ हम देखेंगे देखा जाता है कि कंज्यूमर का टेस्ट किस तरह का है और किस तरह का फूड या क्लोथ पसंद करता है, और हमारे कल्चर में चलते हैं जो फूड यहाँ हलाल हैं वो जाहिर सी बात है हम यहाँ तो वही चलेंगे, उन्हीं की अहमियत होगी, तो टेस्ट मैटर करता है कि कंज्यूमर को क्या रिक्वायर है, किस तरह का फूड है और किस तरह का क्लोथ है। द प्राइस ऑफ गुड्स एट होम एंड अब्रॉड, इसमें हम देखते हैं कि हमारी अपनी कंट्री में जो प्राइस हैं और बाहर जो है हमें फ़र्क कितना है, हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ कहाँ से मिल रही है, हमें अपने मुल्क से मिल रही है या बाहर से मिल रही है। द एक्सचेंज रेट एट विच पीपल कैन यूज़ डोमेस्टिक करेंसी टू बाय फॉरेन करेंसीज, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करता है कि एक्सचेंज रेट मैटर करता है बहुत, के रुपीज़ कि आप, जाहिर सी बात है जो चीज़ आप बाहर से मंगाओगे उनकी तो डॉलर है, आपकी करेंसी पाकिस्तानी है, तो कितने रुपए का एक डॉलर है एक, ये आपको पता होना चाहिए, क्या ये एक यूरो है वो कितने का है। अगर आपका एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा
तो आपको जो चीज़ है वो मुल्कों से दूसरे चीज़ मुल्क दूसरे मुल्कों से जो महंगी मिलेगी, क्योंकि उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में अच्छा खासा फ़र्क है। अब ये बताया जा रहा है द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान इकनॉमी, पाकिस्तान इकनॉमी का एक ग्राफ से इसको डिफाइन किया गया है कि हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा हुई है कब से कब तक और एक्सपोर्ट कब ज़्यादा हुई है। तो आपने देखा देखेंगे तो 1950 और 1955, फिर ये 1916 में डेफिसिट हो गई, सरप्लस है, सरप्लस है, मतलब 1950 और 55 में सरप्लस है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि हमारी इम्पोर्ट ही ज़्यादा है, हम बाहर से ही ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं नस्बतन इसके कि हम एक्सपोर्ट करें अपनी चीज़ें। इतना एक्सपोर्ट नहीं होता हमारा, ज़्यादा इम्पोर्ट होता है। अब देखते हैं द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेट कैपिटल आउटफ्लो। तो इसमें नेट कैपिटल आउटफ्लो रिफर्स टू द परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय डोमेस्टिक एसेट माइनस द परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट बाय फॉरेन। ये बेसिकली बताया जा रहा है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें फार्मूला दिया हुआ एक तरह से कि किस में से किसको माइनस किया जाएगा। अब बात करते हैं मेजर इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की मेजर इम्पोर्ट्स जो है मशीनरी हो गई, पेट्रोलियम हो गया, वीट हो गया, केमिकल हो गया, इसी तरह आयरन और स्टील, टी, कार्स और पार्ट्स हो गए, प्लास्टिक हो गए। अब पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या करता है, पाकिस्तान कितने ममालिक को एक्सपोर्ट करता है? 50+ ममालिक को पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है। और पाकिस्तान क्या चीज़ एक्सपोर्ट्स करता है वो यहाँ मेंशन है। लेदर हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया, मैंगो हो गया, स्पोर्ट्स गारमेंट्स, मेडिसन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, तो ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। उम्मीद है आपको मेरी प्रेजेंटेशन समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच।